भारत के लोगों के अंदर भगवान गणेश को लेकर अनोखी श्रद्धा देखने को मिलती है, जिसका प्रमाण हमें गणेश चतुर्थी में देखने को मिलता है। इस बात से तो हम सभी भली भांति अवगत हैं कि भारत की सभ्यता और आस्था केवल भारत तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली है। अक्सर हमें विश्व के कोने कोने में हमारे देश की आस्था से जुड़े भगवान के मिलने की खबर मिलती रहती है। ऐसा एक स्थान है इंडोनेशिया, जहां लोगों को भगवान गणेश ने एक विशाल ज्वालामुखी से बचा रखा है। ज्वालामुखी के बारे में सोचते ही हमारे जहन में जलन और आग का एक प्रचंड रूप आ जाता है, पर अगर हम आपसे कहें कि इस प्रचंड रूप को विघ्नहारता हर लेते हैं तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर ये सच है जिसकी गवाही वहाँ के निवासी खुद देते हैं। माउंट ब्रोमो पहाड़ पर बना ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, लेकिन ज्वालामुखी का खतरा होने के बाद भी यहाँ के लोगों को उनके मुहाने पर बने गणेश मंदिर से जाने से नहीं रोक पाता, जिसे पूरा लुहोन पोतीन के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि गणेश पूजा से ही वे अब तक सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मूर्ति 700 साल से वहाँ है, जो उनके पूर्वजों ने स्थापित की थी। मान्यता के अनुसार यह गणेश मूर्ति अब तक जलते हुए ज्वालामुखी के पास होने के बाद भी उनकी रक्षा कर रही है। आसपास बने 30 गांवों में इस जनजाति के लगभग 1,00,000 लोग रहते हैं, जो खुद को हिंदू और हिंदू रीति रिवाज मानते हैं। हालांकि समय के साथ इनके रीति रिवाजों में कुछ बुद्ध रिवाज भी जुड़ गए हैं। वहाँ का एक जनजाति समूह जिसे तेंगिरेसे के नाम से जाना जाता है, वे हर साल 14 दिनों के लिए माउंट ब्रोमो के मुहाने पर बने गणेश मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस पूजा को यज्ञ कास्ता पर्व कहते हैं। सालों पुरानी मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी बकरियों की बलि दी जाती है। साथ ही ज्वालामुखी के भीतर इस बलि के अलावा फल, फूल और मौसमी सब्जियां भी अर्पित की जाती हैं। मान्यता है कि गणेश जी की पूजा और सुलगते हुए ज्वालामुखी को फल अर्पित करना ही उसमें विस्फोट को रोकना है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो ये समुदाय जलकर खत्म हो जाएगा।